सराहनीय नहीं है, निंदनीय घटना है, बहुत ही इसकी जितना भी निंदा किया जाए बहुत ही कम। और हम उनके परिवार के, आश्रित परिवार के नौकरी, गोलागतानी समाचार अरवल से बा रिपोर्टर बानी विश्वनाथ कुमार जी। खबर के हेडलाइन बा कि देर राति अज्ञात अपराधी गोली मार के एक जना के मुआ देने। खबर का बा विस्तार से जानी। अरवल जिला के मेहंदिया थाना अंतर्गत NH 139 पे बेलसार गांव के नज़दीक एगो युवक के गोली मार के अपराधी देर रात के मुआ देने। मुआइला के बाद इनकर साख छुपावे खातिर इनकर मुअल देह के NH 139 के बेलसर गांव के नज़दीक फेंक के भाग मिलन। सूचना के बाद मेहंदिया पुलिस मुअल देह के बरामद करके सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम खातिर भेजल बिया। मुए वाला के पहचान मेहंदिया थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव के 21 वर्ष के रोहित कुमार के रूप में कैल गई बा। मुए वाला के बाबूजी के बयान को मारे वाला के विरुद्ध मामला दर्ज करके आरोपित के गिरफ्तारी खातिर कई जगह छापामारी भी कही जाता। फिलहाल मेहंदिया पुलिस हिरासत में लेके कई लोग से बिंदु के खुलासा करे के उद्देश्य से पूछताछ करती है। रोहित के मुआवे के 2 बिंदु को पुलिस जांच में भी जुटल भी है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और सोन नदी से बालू खनन के लेके उत्पन्न विवाद पे भी पुलिस जांच में जुटल भी है। मामला के जानकारी पाके स्थानीय विधायक महानंद सिंह पोस्टमार्टम गृह परिजन से मिले खातिर पहुँचनी, जहाँ वहाँ के कहनी कि अरवल में आई दिन गोलीबारी के घटना सामने आवता जौन बहुत ही निंदनीय बा। जिला में शांति कायम करे में पुलिस नाकाम दिया। पुलिस से यहाँ के मांग कैनी कि जल्द से जल्द अपराधी के गिरफ्तार करके कड़ा से कड़ा सजा दिहल जाओ। ओहि मुए वाला के बाबूजी सुधीर शर्मा बतैनी कि काल शाम अविनाश नामक दोस्त घर से बोला के 4-व्हीलर गाड़ी से लेके गई रहे, जेकरा बाद घर ना लौटल। फिलहाल सब एक मुअल दे के पोस्टमार्टम करके इनकर निकटतम परिजन के सौंप दिहल बटुए। भोजपुरी आज समाचार और सबके बाबू जी के विधायक जी के भी बयान सुनाई, लेकिन दौरा सबसे निहोरा बा कि एक पहले भोजपुरी आज समाचार चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक के बटन दबा दी और अधिक से अधिक शेयर करी ताकि देश न विदेश तक भोजपुरी आज समाचार के धमक पहुँचे। रौरा बाबू जी के बयान सुनब, विधायक महानंद सिंह का कहनी वहाँ के भी बयान सुनब। हालांकि मामला बालू से हो सकेला चाहे पंचायत चुनाव से हो सकेला, सुनी बयान और दबा के शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो रात में अपने दोस्त के साथ में गया था और उसके बाद लौट के वापस नहीं आया, और हमको थाना से ही सूचना मिला और उस दोस्त से भी बात नहीं आ रही, बात नहीं हो पा रही है उससे, और वो है नहीं, अपना मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए है और वो भी लापता है। शाम में 7:30 बजे थाना से हमें सूचना मिली है, सुबह में 4:30 बजे ये खबर मिली। ये बहुत ही दुखद घटना है और एकमात्र उनका इकलौता पुत्र था और इसकी हत्या कर दी गई। ये बहुत ही कहीं से सराहनीय नहीं है, निंदनीय घटना है, बहुत ही इसकी जितना भी निंदा किया जाए बहुत ही कम। और हम उनके परिवार के, आश्रित परिवार के नौकरी और अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। और इस तरह की घटना जो हो तो अरवल में एक जो शांति का माहौल बना था, तो इस शांति के खिलाफ माहौल बिगाड़ने वाले लोगों का हम समझते हैं कि यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि वैसे लोगों को शिनाख्त करके कड़ी सज़ा मिले, अपराधियों को शिनाख्त किया जाए और कड़ी सज़ा दी जाए।